हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल वर्क 29। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लांचेस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। फ्लांचेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला स्टैंडर्ड और दूसरा स्पेशल। स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है स्लिप ऑन फ्लांच, लैप जॉइंट फ्लांच, वेल नेक फ्लांच, सॉकेट फ्लांच, थ्रेडेड फ्लांच और ब्लाइंड फ्लांच। और वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फ्लांचेस में आता है ऑरिफिस फ्लांच, रिंग जॉइंट फ्लांच, रिड्यूसिंग फ्लांच, लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लांच, वेल्डो फ्लांच और निपो फ्लांच। तो चलिए इसके बारे में हम एक एक डिटेल करके बताते हैं। ये है स्लिप ऑन फ्लांच। इसमें फ्लांच का आईडी पाइप के ओडी के बराबर होता है, ताकि पाइप को इसके अंदर डाल के इसके पीछे से वेल्डिंग किया जा सके, इसीलिए इसका स्लिप ऑन फ्लांच नाम रखा गया है। ये है लैप जॉइंट फ्लांच और इसे लूज फ्लांच भी कहते हैं। इसमें बस स्टब को पाइप के साथ वेल्डिंग किया जाता है और फ्लांच जो है लूज ही रहता है। ये लो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको लैप जॉइंट फ्लांच बोलते हैं या लूज फ्लांच बोलते हैं। और इसमें ये है स्टब और इसे फ्लांच बोलते हैं। स्टब को इस तरह से इसमें पहनाया जाता है और यहाँ पर पाइप के साथ इसको वेल्डिंग किया जाता है, ताकि फ्लांच लूज ही रहे दूसरे साइड के लिए वेल्डिंग के लिए। और ये कंजेस्टेड एरिया में काम आता है, मतलब जहाँ पर स्पेस कम होता है, जगह कम होता है, वहाँ पर ये फ्लांच आसानी से यूज किया जा सकता है। और इसे वेल्ड नेक फ्लांच बोलते हैं दोस्तों। ये हाई प्रेशर में यूज होता है और ये पाइप के साथ लगा के यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया जाता है, इसके लिए इसका नाम वेल्ड नेक फ्लांच रखा गया है। और इसको बोलते हैं सॉकेट फ्लांच। ये सॉकेट फ्लांच ऐसे होता है, इसमें पाइप डालने के बाद यहाँ पीछे से इसको वेल्डिंग कर देते हैं और ये भी लो प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए ये सॉकेट होने की वजह से इसको सॉकेट फ्लांच बोलते हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों थ्रेडेड फ्लांच। थ्रेडर फ्लांच भी लो प्रेशर के लिए ही यूज किया जाता है और इसमें पाइप में भी थ्रेड होता है और फ्लांच में भी, जिसे टेफ्लॉन टेप लगा के टाइट किया जाता है, इसके लिए इसे थ्रेडर फ्लांच बोला जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लाइंडिंग फ्लांच या ब्लाइंड फ्लांच भी बोल सकते हैं। ये पूरी तरह से बंद होता है और इसको आप बस टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई कनेक्शन बंद करना रहे हमेशा के लिए, या फिर किसी कारणवश बंद करना रहे तो वहाँ पे हम इसको लगा के टाइट कर देते हैं, या फिर बस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए इसे ब्लाइंड फ्लांच बोलते हैं। स्पेशल फ्लांचेस में दोस्तों आप देख सकते हैं इतने सारे फ्लांच आते हैं, और फिश फ्लांच, रिंग टाइप ज्वाइंट, रिड्यूसिंग फ्लांच, वेल्डो, लॉन्ग वेल्ड नेक और वेल्डो फ्लांच। वेल्डो फ्लांच को आप फ्लांजोलेट भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं फ्लांजोलेट भी बोला जाता है। और ये है निप्पल फ्लांच, इसे भी आप फ्लांजोलेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसे निप्पल जैसा शेप मिला है। इधर वेल्डो नेक भी बोल सकते हैं, फ्लांजोलेट भी बोल सकते हैं। और फ्लांच फेसेस में आता है फ्लैट फेस फ्लांचेस, इसको FF बोलते हैं, रेस्ट फेस फ्लांचेस RF बोलते हैं, लैप जॉइंट फेस फ्लांच, और चौथा है रिंग टाइप जॉइंट फेस फ्लांच, पांचवा है मेल एंड फीमेल फ्लांच एंड द टंग एंड क्रू फ्लांच। अब इसको हम डिटेल में बताते हैं। ये है फ्लैट फेस फ्लांच। इसमें ये पूरा एरिया प्लेन होता है, इसके लिए इसे फ्लैट फेस कहा गया है। ये है रेस्ट फेस फ्लांच। इसका फेस होता है RF, मतलब रेस्ट होता है, इसको कहीं कहीं सरेशन भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर हाई प्रेशर के लिए यूज होता है, इसके लिए इस पर मशीनिंग करके ऐसा उभार बनाया जाता है, ताकि गैस्केट आसानी से टाइट किया जा सके, इसके लिए इसे रेस्ट फेस बोलते हैं। और ये है दोस्तों लैप जॉइंट फेस फ्लांच। इसका फेस ऐसे होता है और ये आप देख सकते हैं, ये स्टब एंड है और ये लैप जॉइंट फ्लांच है, ये लूज ही रहता है और यहाँ पे सीलिंग सरफेस है, ताकि आप रबड़ या कोई गैस्केट का इसमें डाल के टाइट कर सकते हैं, इसके लिए इसे लैप जॉइंट फेस कहा जाता है। और ये है दोस्तों रिंग टाइप जॉइंट का फेस। इसमें SS का एक रिंग होता है
जिसमें जिसे लगाने के लिए क्रू होता है, ये भी बहुत हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए इसे रिंग टाइप जॉइंट फेस बोला जाता है, और टीजे फ्लांज भी बोला जाता है। और ये दोस्तों मेल एंड फीमेल फेस, इसमें ये दोनों एक साथ यूज होता है। इसमें मेल में ऐसा ग्रू बना होता है और फीमेल दोनों मतलब एक साथ यूज किया जाता है। ये दोनों, एक में मेल होता है, एक में ग्रू होता है और एक में उभार जैसा होता है, इसलिए इसको मेल और फीमेल बोला गया है। ये है टंग एंड ग्रू फेस, आप इसे मेल एंड फीमेल फ्लांज भी बोल सकते हैं। सेम वैसा ही इसमें भी रहता है, एक मेल और एक फीमेल रहता है। और आप देख सकते हैं ये फ्लांज के क्लासेस हैं, इसको आप रेटिंग भी बोल सकते हैं, फ्लांज रेटिंग। इसमें 150 क्लास, 300 क्लास, 400 क्लास, 600 क्लास, 900 क्लास एंड 1500 क्लास एंड 2500 क्लास का फ्लांजेस आता है। फ्लांज के रेटिंग के हिसाब से दोस्तों उसके थिकनेस और होल बढ़ते जाते हैं, उसके साइज में बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।